रायबरेली नगर पालिका में क्षेत्र के विकास के पैसों पर हुआ साइबर अटैक। जनता के विकास के लिए आए करोड़ों रुपए साइबर ठगों ने उड़ाए। नगर पालिका अध्यक्ष व प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा। मामला रायबरेली शहर की नगर पालिका का है, जहां साइबर ठगों ने नगर पालिका के खाते में जमा 3,22,713 रुपये पार कर दिए। जैसे ही इसकी जानकारी नगर पालिका प्रशासन को हुई, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। ईओ नगर पालिका स्वर्ण सिंह की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके मामले की जांच शुरू कर दी गई। कल कोतवाली में नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि 3.25 करोड़ का साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नगर पालिका के फंड्स के साथ हुआ है। पूरे प्रकरण की जाँच क्षेत्राधिकारी नगर को दे करके तथ्यों की जांच कराएगी और प्रथम दृष्टया जो भी उसमें प्रमाणित तथ्य पाए गए हैं, उसके आधार पर मुकदमा कायम करके उसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए। कितने रुपए का फ्रॉड है? तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।